Following the cancellation of Gana Suraksha party leader Nabahoronia's candidature for the Kokrajhar Lok Sabha constituency, the party has fielded Binita Deka to contest from the seat in his place. Horonia's candidature was recently cancelled by the returning officer after the Guwahati High Court deemed that Horonia's scheduled tribe plane certificate is invalid. Binita Deka today filed the nomination papers after Horonia made the decision to field her in the Kokrajhar seat. आपका नॉमिनेशन जो कैंसिल हो गया कैंडिडेचर, अभी आपके पार्टी से नया जो कैंडिडेट है आपने दिया है बिनीता डेका को, कैसा है तैयारी? देखिए तैयारी बढ़िया है। अभी बिनीता डेका जो इंजीनियर पास आउट है, ये सीआईटी में भी पढ़ाई करके फिर पंजाब में पढ़ाई किया और हमारा गांव का ही है, बगल का ही है, हम पहले से उसको जानते हैं, उनका पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड हमको पता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बिनीता डेका को जो नवसेना के साथ जितना सारा हमारा बतार है, सिंपेथाइजर है, वेलुजर, उनका बहुत मिलेगा। और इस बार ऐसा उम्मीद है, हमको लगता है कोकराझार में 2014 का जैसा वोट था ऐसा ही माहौल बनेगा, क्योंकि सबको पता है नवसेना का सोल से वो इलेक्शन कैंडिडेट रिजेक्ट किया था। हम अगर 1.5 लाख वोट से मार्जिन मिलता है, लेकिन बिनीता को 1.5 लाख नहीं तो 1 लाख वोट से मार्जिन होगा और हम कोशिश है 1.5 लाख से और ज़्यादा करने के लिए। आपके अगेंस्ट में खड़ा है एनडीए अलायंस और बीपीएफ है, कांग्रेस भी है और कई जो निर्दलीय उम्मीदवार है, आपका स्टैंड कैसा होगा इसमें? उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ओनली फोकस है मेरा जीएसपी पार्टी को और मेरा जो भी वोटर्स है उसको आगे ले जाने के लिए।